ये एक मेरी कहानी है, वो बीते दिन जो मैं अपने बोल हरियाणा के दर्शकों के लिए सुनाना चाहती हूँ। ये उन बीते दिनों की बात है जब हम कॉलेज के दिनों में थे। साइकिल के कान पकड़कर पैदल ही कॉलेज के लिए निकल लेते थे, क्योंकि गप्पे जो लड़ाने होते थे सखियों से। वक्त बीत रहा था, हम सब बड़े हो रहे थे और नवजीवन के सपन संजोए जाने लगे। माता पिता भी हमें बड़ा होता देखकर सपने सजोने लग गए थे। हमारे ग्रुप में थी एक नैना, जो सबसे सीधी, सबसे सुंदर, ना कभी लड़कों से बात ही करनी, ना कभी कोई शरारत, सीधा नाक की सीध से घर जाना, सीधा घर से कॉलेज, कॉलेज से घर। मेरे जैसा तो हर रोज किसी से लड़ बैठता था, रोज किसी न किसी से बहस कर बैठता था, कभी झगड़ा कभी बहस, ये चलता रहता था। पर उसका ना किसी से कोई बहस, ना किसी से कुछ कहना, बहुत सीधी लड़की। बस होना तो क्या था, एक सपनों का राजकुमार आया, देश सेवा में लगा सांवला सा नौजवान और ले गया हमारी नैना को ब्याह के। एक अलग सी ही खुशी थी उसके ब्याह की हम सबको, क्योंकि हमारे ग्रुप का पहला ब्याह था वो। हम उससे कुछ भी पूछते तो बहुत प्रशंसा करती थी वो अपने फौजी की। बहुत जल्द ही नैना एक बेटे की माँ भी बन गई। हम सब की खुशी का ठिकाना नहीं था, मासी जो बन गए। बस फिर एक एक करके हम सब सखियां अपने अपने पिया घर चले गए। जब भी मायके आना होता सब कहीं ना कहीं मिल ही लेते थे। गर्मी की छुट्टियां चल रही थी उन दिनों, मायके में ही थी मैं। खबर आती है, एक बहुत बुरी खबर, नैना के पति शहीद हो जाते हैं। कुछ समझ में ही नहीं आता कि ये क्या हो गया। 2 साल का फूल सा बच्चा और 3 साल की ब्याहता नैना, उन दोनों की तो जैसे दुनिया हिल उठ चुकी थी। बहुत समझाया नैना को, उसके भाई भाभी ने भी बहुत प्यार दिया, पर एक 23 साल की लड़की, लड़की से बीवी, बीवी से माँ बनने तक का रास्ता तय करते करते अचानक से सफेद कपड़ों की चादर के तले आन खड़ी हुई। शून्य में देखती रहती थी वो, बोलती थी मुझे इनके सब कर्तव्य निभाने हैं, ससुराल में ही रहना है। वो बेटे को लेकर ससुराल आ जाती है। फिर क्या हुआ, प्रताड़नाओं का दौर शुरू हो जाता है, कभी खाने को लेकर, कभी पहनने को लेकर। नैना की हालत खराब होती जा रही थी, ससुर ने धोखे से सब पैसा हड़प लिया। 2-2.5 साल के बेटे के साथ उसके भैया उसको अपने घर लेवा लाते हैं। अपने उजड़े हुए सपनों के सफेद शाह पड़े रंगों को उठा बेमन से नैना अपने मायके आ जाती। यहाँ उसको प्यार तो मिल रहा था, पर भाभी थोड़ी उखड़ी उखड़ी रहने लगी थी, क्योंकि भाई अपनी छोटी बहन को थोड़ा ज्यादा ही नहीं दे रहे थे। वो बहुत परेशान थी, क्या करते, अपनी बहन को प्यार देना एक भाई का कर्तव्य हो जाता है। हम सब सखियां मिले उससे, नैना को देखकर सबका मन उदास हो जाता था। हम नैना को कहते कि दूजे ब्याह की सोच ले, बिफर जाती थी वो, कहती थी मैं उनकी यादों के सहारे जी लूंगी। हम समझाते कि यादें तो हमेशा ही तो साथ रहेंगी, पर बहुत मुश्किल था उस बावरी को समझाना। इन्हीं सब में 2-3 साल निकल गए, हमारी प्यारी नैना बेरंग सी हो गई। एक दिन मिलने आती है मुझसे और कहती है कि रिश्ता आया है एक विदुर का, अच्छा परिवार है, क्या करूं। मैंने बोला मिल के देख, देख कि कैसा इंसान है, मिलेगी नहीं तो जानेगी कैसे। पर जिस भगवान ने उसकी खुशियां छीनी थी, वो ही झोली भर कर खुशियां ले नैना के दरवाजे पे दस्तक दे रहा था। नैना का एक साधारण सी रस्म में दोबारा ब्याह हो जाता है। एक बहुत ही समझदार परिवार मिला उसको, हमारी नैना को हाथों पे रखा, उसके बेटे को भी अपनाया। फिर से खुशखबरी आती है, नैना फिर से एक गोल पटोल सी बिटिया की माँ बन जाती है और बस जाती है नए संसार में। याद रखती है अपने फौजी को और नहीं भूलती अपने नए परिवार को। बस हमारी सबकी यही दुआ है कि वो हमेशा यूं ही खुश रहे।